Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. This is my first vlog. I'm quite nervous and excited at the same time. Excited इसलिए हूँ कि ये मेरा पहला vlog है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा, और nervous भी इसीलिए हूँ कि ये मेरा पहला vlog है. तो आज मैं आपको अपना यूनिट जिसमें मैं रहता हूँ वो दिखाने जा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा और आप सब लाइक करेंगे वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे. तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अभी 12 बज रहे हैं और मुझे तकरीबन आधा घंटा हुआ है मैं उठा था. मैं सैरी करके फिर सो गया था, क्योंकि आज था नहीं कुछ करने के लिए तो सैरी करके सो गया था. मैंने कहा नींद पूरी करते हैं. पिछले दो दिन में जॉब करता रहा तो इसलिए आज सोया रहा देर तक. आज मैं आपको यूनिट दिखाने जा रहा हूँ जिसमें हम रहते हैं. हमारे यूनिट में बेसिकली तीन कमरे हैं. एक रूम में मैं होता हूँ, एक में मेरे दो पाकिस्तानी दोस्त जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, और जो तीसरा रूम है वो जिसका नाम लीज है उसमें वो होता है, वो नाइजीरिया से है बंदा. और एक हम लोगों के घर में शेयर टॉयलेट है और एक कॉमन किचन है और एक लाउंज भी है. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया में होम क्लीनिंग के बहुत सारे इश्यूज होते हैं. एक तो है जिसमें लाइक पार्टनर्स वगैरह रहते हैं, मियां बीवी रहते हैं, साथ बच्चे रहते हैं, कुछ तरह से यूनिट्स बने होते हैं, अपार्टमेंट्स बने होते हैं. उनकी बात तो नहीं मैं कह रहा, उनके बारे में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो शेयर्ड घर होते हैं इस तरह से जिसमें डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग रह रहे होते हैं, या अगर सेम नेशनैलिटी के भी हों तो क्लीनिंग के इश्यूज जो हैं वो कॉमन हैं. सो इवन इस पे बहुत सारा काम करके भी जो है ना क्लीनिंग के इश्यूज ख़त्म नहीं हो सकते. काम करने से मुराद ये कि आप हर किसी को सेपरेट सेक्शन असाइन कर दो, फलां बंदे ने फलां एरिया क्लीन करना है फलां दिन या फलां हफ्ते में, लेकिन इसके बावजूद जो है वो क्लीनिंग के इश्यूज रहते हैं. सो हम लोगों को इस पे काम करने की ज़रूरत है, इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हर कोई अपना अपना पार्ट जिम्मेदारी से करे और प्रॉपर तरीके से करे, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको कोई इशू ना हो. चलिए हम अब घर का टूर स्टार्ट करते हैं. सो अभी मैं इस वक्त किचन में खड़ा हुआ हूँ और यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा. ये हमारे घर की पार्किंग वाली साइड से एंट्रेंस है, बैक साइड से, और ये उससे बाहर का व्यू है. और ये जनाब किचन है घर का. अब किचन के बाद आगे दो सेक्शंस हैं, एक जिसमें लाउंज आ जाता है, ये घर का लाउंज है, और ये दूसरा सेक्शन है जो कि रूम्स की तरफ चला जाता है. इनमें जो लेफ्ट वाला रूम है वो जो मेरे दो पाकिस्तानी रूम दोस्त हैं वो शेयर कर रहे हैं, सामने वाला रूम जो है वो जिसका नाम पे लीज है वहाँ पे वो होता है, और मेरा रूम जनाब ये रहा. मैंने अभी बेडशीट वगैरह फिक्स नहीं की क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, तो इस वक्त मैस हुआ हुआ है रूम में. तो बिल्कुल छोटा सा रूम है, ये मेरे रूम की अलमारी है और ये एक सिंगल बेड है. अब देख लें कि रूम में कुछ और रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं है, बट स्टिल रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है. अकोमोडेशन इज़ वेरी कॉस्टली हियर. सो ये जो है शेयर टॉयलेट है, ये शॉवर एरिया है, और जो ये डोर था टॉयलेट के बिल्कुल साथ, ये डोर है, यहाँ पे हम लोगों ने अपने शैम्पूज वगैरह रखे हुए हैं हर चीज़. तो जनाब ये था मेरे रूम का टूर, और
थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा और आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस टू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एंड देन आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू।